Please select the parking mode if you need assistance. देख सकते हैं इरफान भाई ने न्यू गाड़ी ली तो भाई ने अभी तक पालटी भी नहीं खिलाई गाड़ी। ओ भाई साहब आप लोग देख सकते हो यार ये कच्चा मकान गिर चुका है। वो यार बंदे का कितना नुकसान हो गया होगा सो चेक करो। हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुमदरियाज व्लॉग्स। सो कैसी अपनी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। मेरे द्वारा के अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी भाई चैनल पे न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा 11:30 बजे का और अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज यार सुबह सवेरे में उठा, फिर मैंने सैरी वगैरह खाई और सैरी वगैरह खाने के बाद सो गया। सो यार शाम से मतलब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और ठंड भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी। फिर सुबह आपका भाई 10:30 बजे उठा क्योंकि यार ठंड भी मतलब काफी तेजी वाली ठंड हो रही थी। तो फिर मुझे घर का कुछ काम करने के लिए था और फिर मैंने घर का काम किया और अभी टाइम हो रहा 11:30 बजे का। तो अभी आपका भाई नहा धो के हो चुका है रेडी, तो अभी हम फिलहाल चलते हैं करते हैं जुम्मे की नमाज अदा। तो रमजान का दूसरा जुम्मा, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा की भी और रमजान। गाँव में बंदे की डेथ होगी, मेरे घर से गए हुए थे पापा भी और अम्मी भी, मैं नहीं गया हुआ था क्योंकि कहा यार फिर घर में कोई नहीं था, फिर वो दोनों गए हुए थे। तो मैं बोलता हूँ यार कितना नेक बंदा होगा जिसकी मतलब रमजान के महीने में डेथ हुई है। सो यार और जुम्मे का दिन इतना बड़ा दिन, यार दिन भी देखो और रमजान का महीना। यार मैं तो यही चाहता हूँ यार अल्लाह पाक हर एक इंसान को ऐसी अच्छी मौत दे। मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को यही बोलूंगा तो उनके लिए उनकी मगफरत की दुआ करें। सो 5 टाइम नमाज पढ़े और 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ करें। सो यार इस दुनिया से सब ने जाना, एक दिन हमने भी जाना है। तो अगर हम किसी के लिए दुआ करेंगे फिर कोई हमारे लिए करेगा। सो अभी हम चलते हैं करते हैं जुमे की नमाज अदा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बस तो मैं रास्ते से जा रहा था और मुझे गाँव के भैया मिल चुके हैं, ये भी अपने गाँव के रहने वाले हैं। तो मैं भी रास्ते से जा रहा था, ये मिल चुके हैं तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ मस्जिद में और आप लोग देख सकते हो यहाँ नीचे रही जामा मस्जिद और कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। सो नीचे आ चुकी है अपनी मेन हाईवे रोड। सो गाइस तो अभी फिलहाल थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है तो अभी हम फिलहाल करते हैं जुम्मा की नमाज अदा। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, जब भी नमाज से जुम्मा तो अदा कर ली और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। तो जैसे मैं नमाज से जुम्मा अदा करके बाहर निकला तो बाहर मुझे इरफान भैया मिल चुके, तो इन्होंने बोला चलो इकट्ठे चलते हैं। तो अभी फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं। और इरफान भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका कैसा चल रहा है यूट्यूब पर वर्क? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ही है, जो भी है आपके सामने है। लेकिन अभी मैं यूट्यूब के बजाय थोड़ा सा फेसबुक पेज पे फोकस कर रहा हूँ, अभी मेरा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया फेसबुक पेज पे। क्या नाम है फेसबुक पेज का? मोहम्मद इरफान भट्टी कादरी लिखेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। इन्होंने अपने फेसबुक का नाम भी आप लोगों को बता दिया, तो जल्दी जल्दी से जाएं और उस पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इरफान भाई ने न्यू गाड़ी ली तो भाई ने अभी तक पाल्टी भी नहीं खिलाई, कब खिलानी है भाई पाल्टी गाड़ी की? रमजान चल रहा है, आप कहें तो अभी चल के खिलाएं। नहीं अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी रमजान चल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। तो रमजान के बाद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई पक्का। हमने कब मना किया? तो भाई आपने बोल दिया बस इतना ही काफी है। तो ये छोटू भी साथ में बैठा हुआ है, ये कहाँ का रहने वाला है? मैं इसको जानता नहीं हूँ। इरफान भाई सब छोटू को नहीं जानते? जी जी नहीं जानता हूँ। ये है जी मेरा भतीजा। अच्छा आपका भतीजा, और क्या हाल है आपके, ठीक हो? से ठीक है। आप किधर गए हुए थे? जुमा पढ़ने गए हुए थे। ये है हमारे मोहम्मद उजैर जी जी भट्टी खान। अच्छा उजैर भट्टी, ठीक ठीक। सो देख सकते हो इन्होंने नई गाड़ी ली है, सो चेक करो यार गाड़ी एकदम तगड़ी गाड़ी है। सो देख सकते हो यहाँ पर कुछ सनरूफ है, सो चेक कर सकते हो आप व्यू। तो अभी हमें इस रोड से गाइस कच्ची रोड से जाना है घर, तो यार रोड काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, सो चेक कर सकते हो आप यार, क्योंकि गाइस कार शाम से मतलब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी तो जिसके कारण काफी ज्यादा कीचड़ हो चुका है। तो देखते हैं यार अब कच्ची रोड कहाँ तक पहुँच पाती है गाड़ी, तो देखते हैं यार। भैया कितने की ली है गाड़ी आपने? ये भैया को 14 लाख की। 14 लाख की, तो कौन सी गाड़ी है ये? ये है मेरे भाई XUV 300W8। जी 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 जी। और कैसा लगता है आपको इस गाड़ी में? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची रोड के लिए ये ठीक है। ठीक है भाई, महिंद्रा वालों की है। जी 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 बेस्ट है। अच्छा कीमत थी वो समझ लो कि इस सनरूफ की। सो देख सकते हो यार जो मेन कीमत थी इस गाड़ी की वो थी सनरूफ की, सो चेक कर सकते हो यार। चेक करो यार आप पीछे बैठा हुआ अजहर, चेक कर सकते हो। तो अभी हम गाइस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, तो ये अभी भैया के वेट कर रहे हैं, तो पता नहीं भैया आएंगे फिर हम तीनों निकलेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी आपको इरफान भाई कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा खासकर जो भी मेरे भाई या बहने ड्राइव करती हैं कि जब भी गाड़ी पे बैठो तो आप अपनी एक हैबिट बना लो
कि सीट बेल्ट आपने जो है ज़रूर पहना है, और इस सीट बेल्ट को आप अपनी मजबूरी मत बनाएं कि जब कभी कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई और नाका वगैरह देखे तो पहन लीजिए चालान से बचने के लिए। क्योंकि बस इतना याद रखें, आपके ये जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं ये एक्चुअल में कोई हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। और जब हम अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते और नाके पर पकड़े जाते हैं रंगे हाथ में, तो फिर कई बार चालान होता है, और कई बार अगर कोई करप्ट ऑफिसर हो तो करप्शन वगैरह देनी पड़ती है, तो आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यही अपील करूँगा कि जब भी ड्राइव करें सीट बेल्ट जरूर पहन लें। राजा साहब क्या कहते हैं, आज अफ्तारी होगी आपकी मेरे साथ? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आ जाओ, चलते हैं इधर मेरे घर की तरफ। क्यों आज हमारी अफ्तारी इकट्ठी नहीं होगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अभी तो 7-8 रोजे गुजरे हैं, तो अभी रोजे बाकी हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट टाइम। तो देख चिड़ी की चिड़ा, इस रोड में सोचा करो, काफी ज्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है यार। इस रोड का कुछ काम वगैरह भी नहीं करवाते यार, काफी ज्यादा परेशानी हमें देखनी पड़ती है। जब कोई बंदा गांव में बीमार हो जाए तो यार फिर वो क्या करेगा यार, मतलब बारिश भी हो जाए फिर इतनी बारिश में फिर उसके लिए आना जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो देख सकते हो थोड़ी स्लिप भी होनी है ना, थोड़ी Please select the parking mode if you need assistance. देख सकते हैं यार इसमें सीसीटीवी कैमरा भी है। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस, और अरफान भैया का घर इधर साथ में ही है। तो अरफान भैया भी चले गए, तो मैंने उनको बोला आओ चलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं आज रमजान चल रहा है, तो फिर कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो चलेंगे। सो अभी मैं भी जा रहा हूँ रास्ते से। सो देख सकते हो गाइस, तो यहाँ से मेरा घर लगभग अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सो चेक कर सकते हो, सोच के अभी आप लोगों को अरफान भाई ने बोला यार अगर आप लोग ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी होती है, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली यार, क्योंकि कहा पहले अपनी जान बचाना फिर सब कुछ है। तो यार आज मतलब काफ़ी ज़्यादा कीचड़ी कीचड़ हुआ रास्ते में, और रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। सो वैसे तो कल मेरी दीदी आई मेरे घर में, और उन्होंने बोला यार रमज़ान का महीना क्या आ गया, आपने मेरे घर पर आना छोड़ दिया। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे, तो उनका घर रास्ते में ही आता है, तो मैं सोच रहा हूँ यार जाते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ की रोड का व्यू भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। सो चेक करो भाई यार, आज तो आपके भाई ने चप्पल पहनी है। सो यार मुझे तो लगता है डर यार, मैं सोच रहा हूँ कहीं पर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि गाइस यार कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना, तो गिरने का खतरा है। और सामने देख सकते हो गाइस यहाँ पर कुछ नई शॉप रेडी हो रही है, अभी इनमें कुछ सामान वगैरह तो नहीं पड़ा, फिलहाल तैयार हो रही है, तो पता नहीं यार किसका क्या सामान पड़ेगा, तो जब ये पड़ेगा तो मैं बताऊँगा। ये रोड के साथ में ही सोचा कर सकता, यहाँ पर लड़के कुछ वॉलीबॉल मैच वगैरह खेलते हैं। सो अभी फिलहाल रमज़ान चल रहा है, आजकल नहीं खेलते, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर ग्राउंड है, तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि गाइस आपके भाई ने चप्पल पहनी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिप होता है यार, रोड में चलना इतना मुश्किल हो चुका है। सो फिर मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगा। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ दीदी के घर में, और अभी वहाँ पर बैठेंगे 10 मिनट फिर जाएंगे। सो गाइस तो आज मौसमी सुबह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, आपने आपके भाई ने खुद भी पहना हुआ था, और पिछले दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, तो यार क्या ही कर सकते हैं। सो अभी हम पहुँचने वाले हैं, सामने रहा दीदी का घर, आप लोग चेक कर सकते हो। दिनों में ये यहाँ पर इन्होंने नए कोई किचन और कुछ बाथरूम वगैरह बनाए थे, सोचा कर सकते हो आप। सो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए, चेक करो भाई साहब, देखते हैं यार। जा रहा हूँ दीदी के घर से अपने घर की तरफ वापस, और दीदी थे जो अंदर ग्राउंड में मजीद की तलावत कर रहे थे, और यानी सोया हुआ था, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने सोचा यार अभी रमज़ान चल रहा है तो वहाँ पर भी बैठकर क्या करेंगे, क्योंकि गाइस वो कुरान मजीद की तलावत कर रहे थे, फिर मैं वहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर मैंने वहाँ पर बैठना अच्छा नहीं समझा। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल घर की तरफ वापस, सोचा करो। ओ भाई साहब आप लोग देख सकते हो यार ये कच्चा मकान गिर चुका है, वो यार बंदे का कितना नुकसान हो गया होगा, सोचा करो यार।
आपका भाई पहुंच चुका है घर में वापस। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू, बाय।